गुजरात चुनाव में लोक लुभावन वादे, आरोप प्रत्यारोप और जाति कार्ड समेत तमाम सियासी चालें चली गईं। इस बार राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी के सामने जहां अपनी 27 साल की साख बचाने की चुनौती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के पास पाने को तो पूरा राज्य है, लेकिन खोने को कुछ भी नहीं। पिछले साल सूरत में हुए नगर निगम के चुनाव में आपने 27 सीटें जीती थी। कांग्रेस को मुख्य विपक्ष से हटाकर आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ पूरे गुजरात को चौंका दिया था, बल्कि भविष्य के भी संकेत दे दिए थे। इन नतीजों की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि सूरत को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल भी सूरत से ही आते हैं। इसके अलावा पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले सातवें आसमान पर हैं। लिहाजा आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। क्या है रणनीति? आम आदमी पार्टी ने स्कूली शिक्षा, अस्पताल और महंगी बिजली को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। आपका फोकस युवाओं, पाटीदार और ओबीसी पर ज्यादा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया खुद पाटीदार आंदोलन से जुड़े रहे हैं। गुजरात में पाटीदार वोटर्स की संख्या 15-17% है। आंकड़े बताते हैं कि गुजरात का आदिवासी बहुल इलाका बीजेपी के लिए कुछ मुश्किलों भरा रहा है। आपके सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी गुजरात के गढ़वी समाज से आते हैं। ये समाज चरण जाति से ताल्लुक रखता है, जो अति पिछड़ा वर्ग में शामिल है। गुजरात में ओबीसी 48% है। गुजरात में कुल 4.9 करोड़ युवा वोटर्स हैं, जिसमें से 4.61 लाख ऐसे वोटर हैं जो पहली बार अपना वोट डालेंगे। हालांकि इन पर आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों की नजरें हैं। गुजरात में आपकी मुश्किलें, दरअसल केजरीवाल मुफ्त की योजनाओं को आधार बना रहे हैं। आप उन राज्यों में बीजेपी का विकल्प बनना चाहती हैं जहां पिछले कुछ सालों में कांग्रेस कमजोर हुई है। अगर दिल्ली और पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में आप प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आपने खूब प्रचार किया, लेकिन नतीजा 0 निकला। ऐसा ही हाल यूपी चुनाव में भी था। इसके अलावा दिल्ली से लेकर पंजाब तक आपके कई नेता भ्रष्टाचार के मुकदमे झेल रहे हैं। खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की नींव ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन से पड़ी थी। गुजरात का वोटर प्रचार के साथ साथ प्रोडक्ट से भी खासा प्रभावित होता है, लिहाजा गुजरात में आपकी डगर आसान नहीं है।